दोस्तों ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि बॉलीवुड की फिटनेस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम है कि वो अश्लील फिल्में बनाते थे और उन्हें OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करते थे। अब अगर पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि पोर्नोग्राफी को लेकर हमारे देश का कानून काफ़ी सख्त है। पोर्नोग्राफी के मामले में IT एक्ट के साथ ही IPC की कई धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला लिखा जाता है। वहीं देश के तकनीकी और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच के साथ ही IT एक्ट में संशोधन भी किया गया है। वहीं आप बता दें कि शिल्पा शेट्टी को आज मुंबई में फिल्म सिटी में रियलिटी शो सुपर डांसर 4 की शूटिंग करनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही उनके पति व बिजनेसमैन राज कुंद्रा, जिन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। राज को आज कोर्ट के सामने पेश भी किया गया था, जहां उन्हें कोर्ट ने 23 जुलाई तक रिमांड पर भी भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पोर्नोग्राफी केस में ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें काफ़ी लंबे समय तक जेल में गुजारना पड़ेगा। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी के इस मामले में अब तक राज सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 लोगों को राज से पहले ही अरेस्ट किया जा चुका था। वहीं रियान नाम के शख्स को राज की गिरफ्तारी के बाद अरेस्ट किया गया है। क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में ही अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया और लास्ट में राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि राज कुंद्रा ही इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं।